तो माय कंपनी सक्सेस करने वाला, ये दिल मांगे बोल। It is 6 p.m. Come to see the Kargil War Memorial. And Sachi, I did not realize it, but it is a very prestigious, honorable feeling to be here right now. Let me show you how it is. Year 1999, summers ki peak mein, May ke mahine mein, somewhere around the time when you and I were coming back from school, ya shayad koi office se wapas ghar traffic mein phasa tha, ya raat ke dinner ki tayari kar raha tha, wahi Tashi Namgyal naam ke ek shepherd jo Batalik gaon mein the, unki ek yak kho gayi thi. याक को ढूंढने निकले तो ढूंढते ढूंढते उन्हें दिखे कुछ 6 आदमी जो इंडियन आर्मी के बंकर्स की डिगिंग कर रहे थे। He sensed something was not right and informed about it to the nearest army post. द्रास, कास्कर, मुश्कोर जैसी और जगहों पर भी सेम खबर आई। This was no ordinary intrusion. This was a strategically planned attack. This is the story of the Kargil War. It is such an honor to be here. कारगिल युद्ध वीरों का याद में 2004 नवंबर को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। ये वार मेमोरियल यहाँ बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल लड़ाई का मुख्य भाग इस तला सेक्टर में लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस रास्ता से आए हो उसको नेशनल हाईवे उनका नाम से जाना जाता है। जिस रास्ता पर आप खड़े हो उसको विजय भत्ता नाम से जाना जाता है। विजय भत्ता जो पाए 2 परमवीर चक्र और 6 महावीर चक्र का माध्यम से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। इन्हें आप देख सकते हो और बच सकते हो। जो कारगिल लड़ाई का दोनों शहीद हुआ उन लोगों का तो डिस्प्ले किया गया। और ये जो 2 पेज पर मिक्स 21 डिस्प्ले किया गया ऑपरेशन सफेद सागर में स्क्वाड्रन था। ये क्रैश होने का कारण उसी स्क्वाड्रन का दूसरा मिक्स 21 यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय ओझाकर मरणोपरांत ये चक्र से संबंधित है। अंत में दाहिने और बाएं दो छोटा गुना आपको जरा एक घंटों का घास दिया था कि इसमें जल्दी जल्दी डिसमोल करके म्यूल या एलिट्रो एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करके फायर में शामिल कर सकते हैं। वहाँ पे जो वीर भूमि है जो स्टोन्स नजर आ रहा है उसको नाम मुझे लगता है वीर भूमि है। ये 1947 से लेकर अब तक इस इलाका में कोई भी कारण का वजह से शहीद हुआ उनका स्मारक है। 387 हेवी ब्लास्ट वहाँ पे रखा गया। यहाँ पे जो बड़ा वाला गन 155 डिस्प्ले किया गया वो पी विजय में टोटल 2.5 लाख गोला फायर करवाया उसमें से। समय जो दिया चल रहा है उसको अमर जवान ज्योति का नाम से जाना जाता है। उसको पीछे जो पीला रंग का दीवार है वाला फिल्म के नाम से जाना जाता है। कारगिल लड़ाई में जो शहीद हुआ टोटल 559 लोगों का नाम उस दीवार में अंकित किया हुआ। ये जो लंबा से बैरक है ये हताप इमाम दादा साहब कैप्टन मनोज कुमार पांडे कालरी का नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जो कारगिल लड़ाई में जिन जिन जीनों ने हिस्सा लिया था उन जीनों का होता किस्ती और लड़ाई रिलेटेड फोटोग्राफ्स और के 4 बैटल का जो वॉर चार परमवीर चक्र और 10 महावीर चक्र 69 वीर चक्र इसके पीछे जो कैप्चर कर रही है कंपनी है। तो लड़ाई में कैचर किया हुआ जो और जो लड़ाई का एविडेंस ये सारे उसका अंदर डिस्प्ले किया गया। बगल में ये खाला से एक वार मेमोरियल बनाया वो जोशीला वार मेमोरियल। ये जो 1947 और 48 में जो इंडिया पाकिस्तान का था वो
पाकिस्तान आर्मी ने जोजिला तक पहुंच गया था। इसी टाइम पर अंग्रेज और 2 साल लड़ाई लड़के इस इलाका को वापस लिया गया जोजिला में। तो जोजिला वार मेमोरियल था, जोजिला पास था। ये जो रोलिंग टोनलिंग पाए जो टाप में जरा तीन दिन का उसी इसका लेना आप थोड़ा वायर देखेंगे तो दो कोनी के लिए नजर आएगा जो ट्रायर पर पा रहा है। इसमें सबसे बहुत पहले वाला कनिल्ला टाइगर ही वायर वाला जो छोटा जो रेनो सिंह का तरह नजर आ रहा है रेनो हाँ उसी इसका लेन में जो सामने वाला लास्ट पहाड़ी उसका सीधा पीछे है। इसी स्काईलाइन में 0.4875 डिस्टेंस पे अभी जो कैप्टन विक्रम बत्रा डाप का नाम से जाना जाता है। इस तरफ जो कार्गिल 45 सेक्टर और साउथ के सेक्टर टोटल लगभग 150 किलोमीटर का लड़ाई चला था सर। इस लड़ाई में टोटल लगभग 559 लोग शहीद हुआ और 1536 लोग इंजर्ड हुआ। पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी की पोस्ट को कैप्चर कर चुकी थी। उसे रिकैप्चर करना वॉज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप। With temperatures ranging between -5 to -degree Celsius, and इतने altitude की वजह से climb was only getting tougher with each step. यहाँ तक कि हमारे soldiers had to choose कि वो 1 kg खाना carry करें या extra 100 गोलियाँ। उससे भी ऊपर 17,000 feet पर peak 5140 point था। Two groups of army were deployed. One was led by Lieutenant Sanjeev Singh Jambal and second was led by Lieutenant Vikram Singh Batra, whose code name was Sher Shah. Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said to me, my code name was Sher Shah. Oh Sher Shah, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? आपने शेर शाह मूवी तो अब तक देख ही ली होगी एंड यस दिस इज द सेम प्लेस एंड द सेम स्टोरी। डिसाइड हुआ दैट व्हेन दे रिकैप्चर द पीक दे विल इन्फॉर्म बाय रिलेइंग बैक द चोजन मैसेजेस बैक टू द बेस। पहली कंपनी ने कोड चूज किया ओ ये एंड लेफ्टिनेंट विक्रम ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। ब्रावो कंपनी इज सक्सेस सिग्नल वो आया व्हिच वाज पास टू आवर Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success colonel was Yedil Magemur. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got more chaps. And as we all know, both the companies were successful in recapturing the post. Rest, as we say, is history. But today, especially on 26th of July, let's take a peek back into that history and remember our superheroes who fought for us, for our glory, for our freedom. I just finished seeing the Kargil War Memorial and this really brings up a lot of feelings in me. I'm usually not the one who's speechless but are short of words. But this really brings up a lot of feelings in you. And I think the least that we can do is remember them. The sacrifices that they have made and keep them and their families and our defense forces in prayers. Just always know and make sure that you do your bit as Indian citizens to pay our respects and just be great good citizens and make sure that you know that we never forget the sacrifices these men and women are making for us. They've fallen but not forgotten. Yeah.